प्रचोदया। प्रशांत अपन्ना मेरे पिता ही नहीं, हम सबके अन्नदाता थे। उन्होंने हमेशा लोगों का भला किया है, लेकिन उन्हें उस केस में पूरी तरीके से फंसाया गया, जिसके वजह से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। और वो, लेकिन उनके बेदाग छवि पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे, उनके कोई षड्यंत्र का शिकार नहीं होने देंगे। एक तरफ 70 वर्षीय प्रशांत अपन्ना एक ऐसी जानी मानी हस्ती थे जिनकी मौत को टालने के लिए यज्ञ किए जा रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ एक युवा को जिंदा स्वाह कर दिया गया था। और दोनों तरफ जिंदगी और मौत का एक ऐसा तांडव रचा गया था जिसने जनता, मीडिया, पुलिस और अदालत हर जगह खलबली मचा दी थी। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये मसाला डालने दे, के बाद देख क्या टेस्टी खिचड़ी बनती है। ये टेस्ट करके देख तो। एक तो तेरा मुंह ना जले, मैं ठंडा कर रहा हूं और तूने मेरा पैर जला दिया। सॉरी, वो फोन के चक्कर मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या कर रहे हो श्रुति दी? लगता है अम्मा कॉल करवा रही होगी। एल्बर्ट, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ, तो जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में चली जाओ? जा यार, जहाँ जाना तुझे। एल्बर्ट, अब अपनी बनाई हुई खिचड़ी भी नहीं टेस्ट करवाओगे? मुझे नहीं कराना तुझे कुछ टेस्ट। ज्यादा नखरे की ना, तो मैं चली जाऊंगी। जाती हूँ। नाटक बंद कर, ठीक है? और तो तुम्हारा हाथ चूमने का मन कर रहा है। क्या? चूमेगी नहीं, तू काटेगी, जानता हूँ मैं तुझे अच्छे से। अच्छा, और तुम क्या हो? कैसे कैसे बहाने बना के मैं तुमसे मिलने आती हूँ और तुम शादी के लिए कभी सीरियस ही नहीं होते। हर बात में शादी की बात क्यों लेती तू बीच में? नहीं, तुझे क्या लगता है मैं तुझे शादी नहीं करूंगा? पर इससे पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी का और तय कर दी तो? ऐसे कैसे कर देंगे यार, तेरी बड़ी बहन है ना श्रुति, उसकी शादी होगी ना पहले। तो ये मत समझना कि मेरे पास भी ज्यादा टाइम है। यार तू मेरी बात समझने की कोशिश कर कामाक्षी, जब तक मेरा बिजनेस सेट नहीं होता मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुझे एक बेटर लाइफ देना चाहता हूँ यार। और शादी की बात क्या, इस किराए के घटारे घर में रहेंगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। लेकिन तुम क्या, तुम नहीं हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तुम अपना बिजनेस सेट करो, इसके पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया ना तो पछताना। हाँ, अकेले ही पछताऊंगा मैं। फोन की बैटरी भी अभी जानी थी। क्यों जाती है अल्बर्ट से मिलने के लिए? और जाती है तो घंटों के लिए गायब हो जाती है। तुझे पता है तेरे जाने के बाद अम्मा को हैंडल करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था। सॉरी दीप, आगे से नहीं होगा ऐसा। क्या सॉरी कामाक्षी? अरे कामाक्षी, इतने देर अम्मा, देखो ना, अगर ये अपनी दोस्त के यहाँ पढ़ने गई थी तो इसे अपना फोन तो नहीं ऑफ करना चाहिए था ना। अम्मा, मेरे फोन की बैटरी चली गई थी, ये देखिए। अरे बैटरी चली गई थी तो अपनी सहेली के फोन से एक बार फोन कर लेती। अम्मा, अब मैं आ गई हूँ ना, अब टेंशन मत लो। अरे क्या कर दिया ये, कितनी बार का रिटायर हो जाओ, इधर उधर प्लेटें गिराते रहते हो। ये पन्ना भी ना पता नहीं किस किस को ले लेता है। अरे क्या मुंह देख रहा, उठाना है प्लेट, ये ग्लास उठा। सर ए, ये क्या लगा है ग्लास पे, ऐसा गंदा पानी पिलाएगा कस्टमर्स को? सॉरी सर, ये दूसरा लेके। अरे सुन, तू रुक जाए, पहला टाइम में खाना भी गंदा आएगा फिर सॉरी बोलेगा तू? हाँ जाने दीजिए ना सर,
यहाँ सब साफ मिलेगा, आप ऑर्डर तो कीजिए। साफ पानी पिला नहीं सकते, खाना क्या साफ खिलाओगे? सर आप बेकार में भड़क रहे हैं, वी मेंटेन हाइजीन एट एवरी लेवल, ह्यूमन एरर तो होता ही रहता है ना। ह्यूमन एरर करना है तो अपने घर में करो, इधर नहीं। कस्टमर्स आर योर गॉड, डू यू अंडरस्टैंड? माना कि कस्टमर गॉड होते हैं, लेकिन ऐसे बदतमीजी से बातें नहीं कर सकते। हमें मत सिखाइए हमें क्या करना है, वी नो व्हाट वी हैव टू डू। ओके अच्छा अपन आप? हाँ मैं इधर देखने को आया, तू कैसा मेरे रेस्टोरेंट का नाम बर्बाद कर रहा है। नहीं अब अपन ना मैं समझा। अभी समझाने का बारी मेरा, गंदा गिलास में पानी पिला के तू कस्टमर लोग को बीमार करना चाहता है? चलो तुम दोनों, मैं तुम दोनों को सिखाता है सफाई किसको बोलते। ये देख इसको बोलते सफाई, चकाचक दिख रहा है ना। मैं अपना रोजी रोटी बर्तन धोने से शुरू किया और जब तक किया पूजा मान के किया। सॉरी अन्ना गलती हो गई। मैं भी सॉरी मांगता है, आगे से नहीं होगा। मैं आगे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता, ना उधार ना सुधार। जॉर्ज हिसाब करें इनका, नहीं चाहिए दोनों। अन्ना अन्ना सॉरी अन्ना गलती हो। नो सॉरी, जो लोग अपना ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज करते वो मेरे को नहीं जमते। मैं देखती हूं। कामाक्षी ये कौन रख के गया? कौन है अम्मा? ये गिफ्ट तेरे नाम का किसने भेजा? मुझे नहीं मालूम अम्मा। और इसको कहते हैं गुड लक। आज ऐसा लग रहा सारी कायनात जीत जाएगा मैं। अरे बहुत सॉलिड गेम हुआ है। तो अभी कल मिलेंगे अपन। सुधरोगे नहीं आप भाई, आपकी इन हरकतों की वजह से मम्मी गुजर गई, आपकी फियांसे ने आपको छोड़ दिया, लेकिन आप नहीं सुधरोगे। अल्बर्ट इतना ओवरिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, छोटा है छोटा ही रहे। मैं तो छोटा रहूंगा ही, लेकिन आप कब बड़े बनोगे? अरे अब तो मैं सबसे बड़ा बनने वाला हूँ, इतना पैसा आने वाला है मेरे पास, फिर बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है और कहाँ से लाओगे पैसे? ये 10-20 रुपए का जुआ खेल के, याद तो होगा आपको जब मॉम हॉस्पिटलाइज हुई तो आपके पास इलाज के पैसे तक नहीं थे, तब तो नहीं छोड़ा आपने जुआ, अब छोड़ोगे मेरे लिए? एल्बर्ट कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे? और ऐसे गिफ्ट भेज कर तुम ये मत सोच रहे कि तुम मेरी नाराजगी दूर कर लोगे। गिफ्ट? क्या बोल रहे हो तुम? तुमने घर पे कोई गिफ्ट नहीं भेजा। मैंने कोई गिफ्ट नहीं भेजा। तो वो गिफ्ट किसने भेजा था? सरन सर हाँ? ये किसी की नहीं सुनता, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है इसका, आप है ना उसे सख्ती से पेश आइएगा। मैं कुछ करता हूँ? हाँ कितनी बार बोला उसे पढ़ाई करने को बैठ, लेकिन बैठता ही नहीं है। आज फिर अल्बर्ट के पास? दी मुझे अल्बर्ट से मिलना बहुत जरूरी है, आज संभाल लेना। संभाल तो मैं लूंगी, लेकिन तू ये सोच जितना अल्बर्ट तेरे लिए जरूरी है क्या तू उसके लिए उतनी जरूरी है? अबे दिखता नहीं है क्या? अरे सॉरी भाई, तेरे सॉरी बोलने से फाइल सही हो जाएगी। अरे इतना क्यों भड़क रहा है, पागल है क्या? पागल किसको बोला बे? क्या बोलो? ए! बोलने पागल कॉलेज अल्बर्ट अल्बर्ट भैया रुके, अल्बर्ट अल्बर्ट भैया सॉरी। पागल है क्या तू? होगा पागल। अल्बर्ट क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तो फाइल खराब कर दी, ऊपर से मुझे क्या कर दिखा रहा है? हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कम है जो तुम हर लोगों के साथ भिड़ जाते हो। क्या करूं प्रॉब्लम से, तो क्या करूं, ये सब बर्दाश्त करता रहूं?
खराब करके रखा तुमने। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो एल्बर्ट। मैंने तुमसे कहा था कि ढंग के कपड़े पहन कर आना, क्योंकि मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट जगह लेके जाने वाली थी। अरे नहीं जाना मुझे तेरे साथ, हमेशा लेक्चर देती रहती है। ठीक है तू भूल जाओ मुझे। कमाक्षी 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 सॉरी यार, मैं हमेशा तुझे हर्ट करती हूँ। अच्छा तू जहां बोलेगी वहां चलेंगे, चल। देख मणि, मेरे रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड का रेट एकदम रीजनेबल है। अगर तेरे से अपना दाम कम करने को नहीं होता है तो तू बेच दे अपना रेस्टोरेंट, मैं चला लेगा। मेरा रेस्टोरेंट खरीदेगा अपना? मेरा रेस्टोरेंट? आखिरी बार बोल रहा हूँ अपना, अपना मेनू कार्ड का प्राइस बढ़ा दो, वरना एम्पायर है ना इसको गिरा दूंगा। क्या बोला तू? जॉर्ज, इसका हाजमा खराब है तो अपना क्यों करने का? देख मणि, दोस्ती करने तू आया था, हाथ नहीं मिला सकता तो जाना, बाद में तेरे को अपना रेस्टोरेंट बेचने का हो तो आ जाना, अपन खरीद लेगा, अपन्ना तेरा ये बदतमीजी भी भूल जाएगा। पर मैं कुछ नहीं भूलूंगा, याद रख। क्या हुआ डैड, ये मणिशंकर इधर क्यों आया था? अन्ना को खुला धमकी देके गया, वो बोला खाने का दाम बढ़ाओ नहीं तो बर्बाद कर देगा। क्या अन्ना, इसका गर्मी निकालना पड़ेगा। उसका गुस्सा उसी को खाएगा। समीर तू रेस्टोरेंट जा और फूड रेट 2% कम करने का ऑर्डर दे दे। पर डैड, जॉर्ज शेड्यूल क्या है अपना? एक मीटिंग के लिए जाना है अन्ना, लेकिन वो आपका ड्राइवर महेंद्र का बेटे आया है, वो आपसे मिलने का रिक्वेस्ट कर रही थी। महेंद्र का बेटे? अपन्ना मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ, ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और इसे आपकी हेल्प चाहिए। कैसा हेल्प? सर आप मेरा ये आइडिया देखिए एक बार सर, मैंने हर तरीके की डिश के लिए लिस्ट बनाई। अरे मैं तेरा आइडिया सुन भी लेगा और देख भी लेगा, पहले अपना नाम तो बता। सॉरी सर, सर मेरा नाम अरविंद, अरविंद नाम है इसका। अरविंद जी, कहते हैं कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ माफी के काबिल होता है, लेकिन कामाक्षी का यह झूठ किस बुनियाद पर बोला गया था? उसने एल्बर्ट को यहां अरविंद का नाम आखिर क्यों दिया था? वो बात तो एल्बर्ट की मदद की कर रही थी, फिर उसे इस झूठ की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो कोई षड्यंत्र रच रही थी या फिर किसी के बिछाए चक्रव्यूह में फंस रही थी? ये झूठ इस केस को एक ऐसा अंजाम देने वाला था जिसमें सिर्फ तबाही ही तबाही थी। हेलो, एल्बर्ट से बात करनी थी। एल्बर्ट? आप कौन? मैं उसकी दोस्त। नाम जान सकता हूँ? ज्योति, ज्योति नाम है मेरा। ज्योति, एल्बर्ट से बात करवा सकते हो? उसका फोन बंद आ रहा है ना इसलिए। एल्बर्ट तो यहाँ नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। अच्छा ठीक है। तो लगता है इसको जानबूझ के मार के चलाया गया है ताकि इसकी पहचान पता करना मुश्किल हो जाए। आसपास काफी घना जंगल है, जंगल की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर पूछताछ करो, शायद किसी ने किसी को आते जाते देखा हो। लाश की पहचान से रिलेटेड कोई क्लू मिला था? अभी तक तो कुछ नहीं मिला सर, लेकिन हम लोग आसपास सब जगह चेक कर रहे हैं। तेरा हिम्मत कैसे हो रहा है हरकत करने का? अन्ना ने तेरे काम का तारीफ किया तो ये सब करेगा तू? बोलना क्या करेगा? क्या किया ये? क्यों मारा इसको? अन्ना ये भास्कर अन्ना के बेटी के साथ जबरदस्ती किया। अन्ना मुझसे गलती हो गया, मैं नशे में था, मुझे माफ कर दो। हे! हाथ नहीं लगाने का, दूर जा, तेरे किए का कोई माफी नहीं है। आपका बेटी मेरा बेटी है, मैं अभी इसको अंदर करवाता है।
हेलो एल्बर्ट, घर आ गया क्या? कौन बोल रहा है? बेटा क्या हुआ? बेटा कोई टेंशन है? नहीं नहीं अप्पा। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बोल रहा है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं अप्पा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, खाना खाने के लिए आ जाओ। एल्बर्ट मेरा छोटा भाई है, वो आउट स्टेशन है। लेकिन बात क्या है? आउट ऑफ स्टेशन कहाँ? पता नहीं सर, वो बता के नहीं गया। लेकिन बात क्या है? हमें त्रिलोकपुरी एरिया के जंगल में एक लाश मिली है और वहां पर एक बैग भी मिला था, और उस बैग में ये एल्बर्ट का आईडी मिला है। ये और ये है वो बैग। ये तो एल्बर्ट का बैग है। ये सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? कुछ काम है। हाँ लेकिन जा कर रहा है? थोड़ा लेट हो गया, आके बताता हूँ। सर सर, ये एल्बर्ट नहीं हो सकता सर। ये रिंग हमें इस लाश की उंगली में मिली, पहचानते हो उसको? ये एल्बर्ट की रिंग है? नहीं सर, एल्बर्ट तो रिंग पहनता ही नहीं था। और सर रिंग तो क्या, वो कोई मेटल की चेन घड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनता था सर, उसको स्किन प्रॉब्लम थी। अगर एल्बर्ट रिंग नहीं पहनता था, मेरा मतलब अगर ये लाश एल्बर्ट की नहीं है, तो फिर एल्बर्ट का ये बैग हमें इस लाश के पास क्यों मिला? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एल्बर्ट इसको मार के कहीं भाग गया है और जल्दबाजी में उसका बैग छूट गया, इसी वजह से वो अपना फोन बंद करके वो गायब है? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? एल्बर्ट ऐसा क्यों करेगा? तो फिर एल्बर्ट इस वक्त है कहाँ? यही तो समझ नहीं आ रहा है सर। सर वो मुझे बोल कर गया था कि वो अपने किसी काम से जा रहा है बाहर। काम? क्या काम करता था एल्बर्ट? फिलहाल तो कुछ नहीं करता था सर, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने एक फूड बैन डाली थी। सूरज ये फ्राई कर और दो नंबर टेबल का ऑर्डर रेडी कर फटाफट। हाँ भैया, जो मेरी लॉटरी लगी हुई है, आप देखो ये खिचड़ी को ना मैं वर्ल्ड फेमस कर दूंगा। सर उसने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन जल्दी उसका काम बंद हो गया। क्यों बंद हो गया उसका काम? सर जिस एरिया में उसने अपनी फूड बैन डाली थी, उस एरिया में उसको लॉस हो रहा था, इसलिए सर वो एक नई जगह ढूंढ रहा था अपनी फूड बैन डालने के लिए, और उसी लिए इधर उधर जाता रहता था वो। एल्बर्ट का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, किसी तरह की कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ सर, कई दिनों से एक लड़की फोन करके एल्बर्ट के बारे में पूछ रही थी मुझसे। कौन लड़की? नाम जान सकता हूँ? ज्योति। एल्बर्ट ने कभी किसी ज्योति के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन वो एल्बर्ट के बारे में पूछ रही थी, तो सर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। क्या ठीक नहीं लगा तुम्हें? हो सकता है सर वो एल्बर्ट के बारे में कुछ जानती हो। रहती कहाँ है लड़की? पता नहीं सर, मैं तो कभी मिला ही नहीं उससे। लेकिन हाँ सर, मेरे पास उसका फोन नंबर है, जिस नंबर से वो मुझे कॉल किया करती थी। ठीक है, इस लड़की का फोन नंबर और एल्बर्ट के वर्कर्स के डिटेल्स, जिनके साथ मिलकर वो फूड वैन चला रहा था, सब इनको लिखवा। सर ये तो एल्बर्ट के बारे में बताने की बजाय किसी ज्योति का नाम ले रहा है, कुछ छिपा तो नहीं रहा है हमसे? ये तो हमें पता लगाना है कि ये छिपा क्या रहा है। इसने इस लाश को एल्बर्ट की लाश मानने से इनकार कर दिया, जबकि एल्बर्ट का बैग हमें इसी लाश के पास मिल गया। ऐसे में दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये कि ये लाश एल्बर्ट की ही है, एल्बर्ट मारा गया और ये इस बात को मान नहीं पा रहा है कि इसका भाई मर चुका है, और दूसरी ये कि एल्बर्ट इसको मार के कहीं भाग गया है और जल्दबाजी में उसका बैग छूट गया और अब इसी वजह से अपना फोन बंद करके गया है। क्वाइट पॉसिबल सर। एल्बर्ट और उसके इस भाई की डिटेल्स निकालो, इस लड़की ज्योति की, जिसको फोन कर लिया। सर एल्बर्ट की फूड वैन लेक गार्डन नाम के रेस्टोरेंट के सामने लगा करती थी, और सर मैंने उन वर्कर से भी कांटेक्ट किया जो एल्बर्ट के साथ काम करते थे, मैं बस उनसे मिलने ही वाला हूँ। ठीक है सर। सर एल्बर्ट के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, एल्बर्ट का फोन 5 दिन पहले त्रिलोकपुरी के एरिया में शाम को करीब 5 बजे बंद हुआ था। और सर उसी एरिया में हमें ये लाश मिली थी। सर हमें जो लाश मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसी दौरान उसकी मौत हुई थी। ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया गया हो। मैंने श्रुति का फोटो देखा, इसमें वो आग नहीं है जो आपको चाहिए, लेकिन इसकी एक छोटी बहन है कामाक्षी। कामाक्षी के अंदर वो बात है कि अगर ये आपको मिल जाए तो समझो जैसे इक्के को इक्का मिल गया। जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये लाश एल्बर्ट की है।
वैसे भी एल्बर्ट के भाई ने इस लाश को एल्बर्ट की लाश मानने से इनकार किया। एल्बर्ट के भाई डेंजिल ने हमें जिस ज्योति का नंबर लिखवाया था वो किसी ज्योति का नहीं बल्कि इस कामाक्षी नाम की लड़की का है। जी कामाक्षी यहीं रहती है? यस सर, मेरी बेटी है। पर बात क्या है सर? एक मर्डर के सिलसिले में हमें कामाक्षी से पूछताछ करनी है। सर एल्बर्ट मेरा फ्रेंड है, लेकिन वो ठीक तो है ना? हमें एक लाश मिली है और हमें डाउट है कि वो लाश एल्बर्ट की है। इस इनको पहचानती हो? नहीं नहीं सर। सर एल्बर्ट भाई कहाँ होंगे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। उनके धंधा बंद करने के बाद मैं उनसे कभी मिला ही नहीं। सिर्फ 15 दिन में ही उन्होंने धंधा ही बंद कर दिया। 15 दिन? मतलब सर 15 दिन में ही एल्बर्ट ने यह सोच लिया कि यहाँ पर फूड बैन डालने से उसको घाटा होगा? घाटे का तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने धंधा तो मणिशंकर की वजह से बंद किया था। मनी अन्ना के रेस्टोरेंट के सामने अपना फूड बैन खोलेगा, साले जान से मार दूंगा। सर वो मणिशंकर के ही आदमी थे, एल्बर्ट भाई ने उनकी वजह से धंधा बंद किया था। डैड, ये मणिशंकर रेस्टोरेंट एसोसिएशन से हमारा लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए घूस देने का कोशिश की है। उसको अभी सीरियसली नहीं लिया ना तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे कुछ नहीं कर पाएगा वो। पर अन्ना, वो बौखला हुआ है। भाई उसने हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं जिंदगी में कभी नुकसान नहीं उठाएगा, मालूम? किस गलत फहमी में जी रहे डैड आप? आपके फूड की प्राइस कम करने के बाद से हमें लगातार नुकसान हो रहा है। मैसूर के रेस्टोरेंट्स हमारे बंद होने के कगार पर है। जब बचत ही नहीं होगी तो कस्टमर बढ़ाने का फायदा क्या? अरे मैं जिंदगी दिया इस धंधे में, फायदा कैसे करते हैं मालूम मेरे को? समझा इसको जब बोला। धंधा ही नहीं डैड, अब तो घर गृहस्थी भी पतन के राह पर है। देखा आपके आते ही मनिका ने, मनिका नहीं अम्मा, सर एल्बर्ट के कोवर्कर्स लेक गार्डन रेस्टोरेंट के मालिक मणिशंकर पर शक जता रहे हैं, जबकि एल्बर्ट का भाई डेंजिल ये भी नहीं जानता कि एल्बर्ट के साथ मारपीट हुई थी। मुझे लग रहा है कि सिर्फ एल्बर्ट का भाई डेंजिल ही नहीं बल्कि ये लड़की कामाक्षी भी काफी कुछ है। एल्बर्ट के भाई डेंजिल और इस लड़की कामाक्षी पर नजर रखो और मणिशंकर की भी डिटेल्स ढूंढ निकालो। श्योर सर। सर एल्बर्ट की फूड वैन जिस एरिया में लगा करती थी वहां के पुलिस स्टेशन से पता चला है कि एल्बर्ट ने मणिशंकर के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करवाई थी। ये बात तो सही है, अल्बर्ट ने मणिशंकर पे आरोप लगाया था कि मणिशंकर ने अपने गुंडे बुलवा के अल्बर्ट को जान से मारने की कोशिश की थी और उसका काफी नुकसान भी किया था। तो फिर आपने क्या एक्शन लिया? हमें मणिशंकर के बारे में कोई सबूत नहीं मिले। अच्छा, ये अल्बर्ट ने कितने टाइम पहले कंप्लेंट दर्ज करवाई थी इस बारे में? करीब 15 दिन पहले, उसमें डेट मेंशन है और साथ में उसकी वाइफ भी थी। अल्बर्ट की वाइफ? लेकिन उसके भाई ने तो बताया नहीं कि अल्बर्ट शादीशुदा था। लेकिन जब अल्बर्ट यहाँ पे आया तो उसके साथ उसकी वाइफ भी थी। वैसे आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? सर हम हस्बैंड वाइफ है। उस लड़की ने अपना नाम क्या बताया था? कामाक्षी डिसोदा। ये लड़की थी वो? हाँ यही लड़की थी। एक तरफ पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये लाश एल्बर्ट की बजाय किसी और की होगी और वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट से नफरत करने वाले लोग भी सामने आ रहे थे जो उसकी जान तक ले सकते थे, जिसमें एक नाम था मणिशंकर का। पर कामाक्षी की बातें इस केस को एक अलग दिशा दे रही थी। एल्बर्ट को अरविंद, फिर खुद को ज्योति और अब अपने नाम कामाक्षी के आगे एल्बर्ट का सरनेम लगाने के पीछे आखिर असल राज क्या था? पहले तुमने डेंजिल को अपना नाम ज्योति बताया और अब हमें पता चलता है कि तुम एल्बर्ट की दोस्त नहीं बल्कि बीवी थी उसकी। क्यों अपने झूठ के लिए कोई सफाई नहीं दोगी? मैं सच में एल्बर्ट की वाइफ, हम दोनों ने सच में शादी की थी। वैसे मैं रिंग पहनता नहीं पर ये हमारी वेडिंग रिंग है, इसे तो जरूर पहनूंगा। क्या अब तुम ये मान रही हो कि वो रिंग एल्बर्ट की ही है?
सर, वो हमारी वेडिंग रिंग थी। तो तुम ये क्लियर कर रही हो कि जो लाश हमें मिली वो अल्बर्ट की थी? सर, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अल्बर्ट, हमने सोचा था कि एक बार अल्बर्ट का बिजनेस सेट हो जाएगा तो हम सबको सच बता देंगे, लेकिन अल्बर्ट को आए दिन धमकियां मिल रही थी। कमाक्षी, ये सारी बातें तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? कमाक्षी, तुमने अल्बर्ट से शादी की, इस बात का कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? सर, हमने कोर्ट मैरिज की थी और उसका सर्टिफिकेट अल्बर्ट के पास था। कमाक्षी, तुम फिर से तो कोई झूठ नहीं बोल रही हो ना? नहीं सर। वो मेरे गुंडे नहीं थे, मैंने अल्बर्ट को धमकाने के लिए किसी को नहीं भेजा। लेकिन जब से उसने आपके रेस्टोरेंट के सामने अपनी फूड वैन डाली, आपके ग्राहक तो कम हो गए थे, धंधा मंदा पड़ गया था। उसके धंधे से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा था सर। तो फिर इतना चलता हुआ धंधा क्यों छोड़ गया वो? अरे मुझे क्या मालूम, वो अल्बर्ट प्रशांत अपन्ना का आदमी था, आप उसको जाके काहे को नहीं पूछते? प्रशांत अपन्ना का आदमी? प्रशांत अपन्ना ने ही अल्बर्ट को मेरे रेस्टोरेंट के सामने वो फूड बैन डालने को सपोर्ट किया ताकि मेरा धंधा डूब सके। इसका मतलब अल्बर्ट से तुमको प्रॉब्लम तो थी? हाँ थी, पर इधर सर मैं धंधा करने को बैठा है, मारकाट मचाने को नहीं। क्या, कामाक्षी और अल्बर्ट की शादी? आप क्या बोल रहे हैं सर? वही बोल रहा हूँ जो आपकी बेटी ने हमें बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को पहले से मालूम था इस बारे में? नहीं सर, अगर बताती तो हम उसे कभी शादी करने से मना नहीं करते। सर वो लड़की झूठ बोल रही है सर, अगर अल्बर्ट ने शादी की होती वो मुझे जरूर बताता, उस लड़की ने अपना नाम भी गलत बताया था सर। वो लड़की बोल रही है कि उसका और अल्बर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट अल्बर्ट के पास था। चेक कर सकते हैं? देखो करो 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 सर। क्या है? तुम तो कह रहे थे कि अल्बर्ट का काम ठीक से नहीं चल रहा था, घाटे में जा रहा था। घाटे में जा रहा था तो फिर इतना पैसा कैसा है उसके पास? सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये पैसा यहाँ कैसे आया। अल्बर्ट ने मणिशंकर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी और मणिशंकर का कहना है कि अल्बर्ट प्रशांत अपन्ना का आदमी था। कुछ जानते हो इस बारे में? नहीं सर, सर इस बारे में भी अल्बर्ट ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अम्मा నీ టెన్షన్ చేస్తున్నాను, జార్జ్ ఇంకో టెన్షన్ నీ హోనా చాయే అభి కే లియే, అభి కే లియే ఆప్ సబ్ లోగ్ జాయే, కల్ ఆనా ఆప్కో పైసే మిల్ జాయేంగే, కల్ ఆనా। మేరా ఆద్మీ? కిస్ అల్బర్ట్ కా బాత్ కర్ రహే ఆప్? యే అల్బర్ట్। యే सर, ये तो अरविंद है। अरविंद? जी सर। और ये मेरा एम्प्लॉय नहीं, ये तो मेरे ड्राइवर के बेटी का दोस्त है, उसी ने मेरे को इससे मिलवाया था, ये अरविंद से। सर आपने डोसा, बिरयानी, पाव भाजी, पराठा, ऐसे कई रेस्टोरेंट के नाम सुनेंगे सर आपने जो इन सब डिशेस के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन सर क्या आपने कोई ऐसा रेस्टोरेंट का नाम सुना है जो अपनी खिचड़ी की वैरायटी के लिए फेमस हो? सर मैं 56 वैरायटी की खिचड़ी बना सकता हूँ और सब एक से बढ़कर एक, आप चाहो तो मैं आपको कभी भी ट्राई करवा सकता हूँ सर। आप तेरा आइडिया सुन के मेरे को लगता है कि तू लाइफ में बहुत आगे जाएगा। सर मैं चाहता हूँ आप मेरे इस आइडिया को थोड़ा पुश करो सर, मेरे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करिए सर आप। देख बेटा, फिलहाल मैं तेरे इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सर फिर मैं सुना कि वो मणिशंकर का रेस्टोरेंट के आगे अपना फूड वैन डाला और मणिशंकर कह रहा है कि उसकी फूड वैन लगवाने में आपने सपोर्ट किया था। सर अगर मैं सपोर्ट करता तो फूड वैन डलवाता क्या? बकवास कर रहा है सर वो मणिशंकर मेरा नाम घसीटना चाह रहा है इस सब में। वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन जैसे आप अरविंद समझ रहे हैं उसका असली नाम अल्बर्ट ही है। वैसे किस ड्राइवर की बेटी ने मिलवाया था आपको इस अल्बर्ट से? महेंद्र नाम है साहब मेरे ड्राइवर का। बेटा तुम्हें देख के मैं समझ सकता हूं कि अल्बर्ट के लिए तुम्हारे दिल में क्या रहा होगा। बेटा जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इसके आगे इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। सर कामाक्षी ने डेंजल को अपना नाम ज्योति बताया था और जब कामाक्षी ने अल्बर्ट को प्रशांत अपन्ना से मिलवाया तो इसने अल्बर्ट का नाम इन्हें अरविंद बताया। तो सर क्या पता कि अल्बर्ट और कामाक्षी की शादी की बात भी झूठी हो, क्योंकि अल्बर्ट के घर से इनका कोई मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है।
लेकिन कामाक्षी बोल रही थी कि कामाक्षी ने और एल्बर्ट ने कोर्ट मैरिज किए। अगर ये सच है कि इन दोनों ने कोर्ट मैरिज किए तो इसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफिस में तुम चेक करो। ठीक है सर। सर एल्बर्ट के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था उनके बारे में अभी तक कोई लीड नहीं मिला है और मणिशंकर के खिलाफ भी कोई सस्पिशियस नहीं मिला। लेकिन हम ना तो मणिशंकर को क्लीन चिट दे सकते हैं और ना ही प्रशांत अपन्ना पे भरोसा कर सकते हैं। कामाक्षी और डैनजिल के साथ साथ इन दोनों बिजनेसमैन को भी इन्वेस्टिगेट करो। हाँ बोल मुके। सर मैंने एल्बर्ट के भाई डेंजिल के बारे में पता किया। सर उसकी एल्बर्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और सर डेंजिल एक नंबर का जुआरी और निशेड़ी है। इसके अलावा कुछ और पता चला? सर फिलहाल तो यहाँ और कुछ काम का नहीं मिल रहा लेकिन मैंने एक बात पता की कि वो दोनों कृष्णापुर गाँव के रहने वाले हैं। अगर एल्बर्ट जिंदा है तो उसके गाँव से कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगी। एक काम कर उसके गाँव जाओ और वहाँ की सारी अपडेट दे मुझे। ओके सर। एल्बर्ट के इर्द गिर्द मौजूद सभी सस्पेक्ट नजर आ रहे थे। मणिशंकर, डेंजिल, प्रशांत, अपन्ना सबको पुलिस इस मर्डर का सस्पेक्ट मान रही थी लेकिन इस केस के केंद्र पे थी कामाक्षी और पुलिस ये जानना चाहती थी कि एल्बर्ट को अरविंद नाम से इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे कामाक्षी का मकसद क्या था। सब मैं और एल्बर्ट अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उस दिन अप्पा को बिना बताए मैं एल्बर्ट को अपन्ना के पास ले गई। मुझे लगा कि अपन्ना अप्पा को बता देंगे कि उसका नाम एल्बर्ट है तो और तुम्हारे अप्पा को पता चल जाएगा कि तुम्हारा किसी दूसरी कम्युनिटी के एल्बर्ट नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, राइट? हाँ सर, मैं डर गई थी बट मैं एल्बर्ट की हेल्प करना चाहती थी इसलिए उस दिन बिना ज्यादा सोचे मैं उसे अपन्ना के पास ले गई क्योंकि मैं चाहती थी कि अपन्ना उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करे। लेकिन अपन्ना का तो कहना है कि उन्होंने एल्बर्ट के किसी भी बिजनेस में किसी तरह का कोई इन्वेस्ट नहीं किया है। हाँ सर, उन्होंने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया लेकिन हम वहाँ से जा ही रहे थे कि उनका पीए जॉर्ज हमारे पास भागता हुआ आया। अच्छा अरविंद, एक मिनट रुकना जी। देखो मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया और मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हारी फूड वैन को अपना हाथ लगाते ही स्टार्ट कर सकता है। किस आदमी की बात कर रहा था अपन्ना का पीए जॉर्ज? उन्होंने एल्बर्ट को बाद में मिलने के लिए बुलाया था लेकिन एल्बर्ट ने मुझे ये नहीं बताया कि उसके बिजनेस में कौन इन्वेस्ट कर रहा था। अय्यर, प्रशांत अपन्ना के पीए जॉर्ज को जल्द से जल्द देखा। सर अपना खबरी एल्बर्ट और डेंजिल के गांव गया था, वहां से एक इंपॉर्टेंट लीड मिली है। मैंने क्या किया है? सर मुझे क्यों लाए यहां पे? तुम्हारे गांव में एक जमीन थी तुम्हारे और एल्बर्ट के नाम पर। हाँ। एल्बर्ट की हत्या से ठीक 3 दिन पहले वो जमीन बेची गई 25 लाख रुपए में। क्या 25 लाख में जमीन बेचती? नौटंकी मत कर। सर मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, सर मुझे नहीं पता उस जमीन की डील के बारे में। सर जरूर हमारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ। बहुत पिटेगा। वो जमीन अल्बर्ट ने बेची है, सेल एग्रीमेंट पे साइन है तेरे। इसी जमीन के पैसों के लिए मारा ना तूने अल्बर्ट को? नहीं सर, वो मेरा छोटा भाई था, मैं उसको क्यों मारूंगा सर? बहुत हो गए तेरी नौटंकी। तेरे घर से 5 लाख रुपए मिले हमें, अब सीधे सीधे ये बोलते कि बाकी के 20 लाख रुपए कहाँ हैं? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है सर, मैं आपको। अबे कुछ नहीं पता है तो सेल एग्रीमेंट पे तेरे साइन कैसे आए? सर ये एल्बर्ट, तू अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा है ना, अब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो गांव की जमीन थी मैंने उसके लिए बहुत बढ़िया ग्राहक ढूंढ लिया, बेच देते हैं। अब फिर से जमीन बेचने की बात करने लग गए? आपको पता है ना हमारी मॉम की आखिरी निशानी है। अरे उनकी आखिरी निशानी अगर हमारे काम ना आ सके तो फिर उसका क्या फायदा? ये देख प्रॉपर्टी के पेपर्स मैंने साइन कर दिए, तू भी साइन कर दे। आधा पैसा लेकर तू अपना बिजनेस शुरू कर और आधा आपको जुए और ड्रग्स में उड़ाने दूँ? नहीं, मैं जो करूंगा अपने दम पे करूंगा। ये जमीन नहीं बेचने वाले हम। एल्बर्ट, सर एल्बर्ट ने साफ मना कर दिया था कि वो जमीन नहीं बेचना चाहता, उसने साइन भी नहीं किए थे सर इन पेपर्स पे। लेकिन सर मैं सपने पे भी नहीं सोच सकता था कि वो मेरे साइन के हुए पेपर्स चुरा के जमीन बेच देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए तूने एल्बर्ट को मार डाला? नहीं सर, मुझे इस डील के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही मुझे पैसों के बारे में पता है सर। सर हाँ, जिस दिन एल्बर्ट सुबह सुबह उस दिन घर से बाहर गया था ना, उसके हाथ में वो बैग था। सर हो सकता है कि वो बाकी का 20 लाख रुपए उस बैग में हो जिस बैग में आपको एल्बर्ट की आईडी मिली। उस बैग में हमें कोई कैश नहीं मिला। ऐसे नहीं बोलेगा ये, बुलवाओ इसे। कटस सर, 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 सर मैंने चेक किया, एल्बर्ट और कामाक्षी ने कोर्ट मैरिज की थी, इनका मैरिज सर्टिफिकेट सही है।
और सर ये भी पता चला है कि शादी के विटनेस सरंत और श्रुति बने थे। श्रुति कामाक्षी की बहन, दूसरा क्या नाम बताया तुमने? सरंत। सर मैं अल्बर्ट और कामाक्षी की शादी का गवाह श्रुति और कामाक्षी के कहने पर बना था। सर मैं कई सालों से उनके भाई को ट्यूशन पढ़ा रहा था, जब इन्होंने रिक्वेस्ट की तो मैं मना नहीं कर पाया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। थैंक यू। और सर मैं इस कला कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, जा सकते हो तुम। थैंक यू सर। सर मैं जा सकती हूँ? नहीं श्रुति, हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम कामाक्षी और अल्बर्ट की शादी से वाकई में खुश थी? सर क्या कहना चाहते हैं आप? हमें पता चला है तुम और अल्बर्ट एक ही कॉलेज में थे, क्लासमेट थे। तुम्हारे कॉलेज के एक फ्रेंड ने हमें बताया कि तुम्हारा और अल्बर्ट का अफेयर चल रहा था, तो फिर कामाक्षी? नहीं सर, मेरा और अल्बर्ट का कभी कोई अफेयर नहीं था। हम तो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसी दोस्ती की वजह से कामाक्षी और अल्बर्ट की मुलाकात हुई। इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? अल्बर्ट। कामाक्षी। फिर वो अक्सर मिलने लगे, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि आप सोच रहे हैं। श्रुति अगर तुम वाकई में कामाक्षी और अल्बर्ट की शादी करवाना चाहती थी तो ये बात तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताई? मैं क्या बताती उन्हें, वो तो क्या, वो तो कामाक्षी। अप्पा को कामाक्षी के अफेयर के बारे में पहले से ही मालूम चल गया था, इसीलिए वो कामाक्षी की शादी किसी और से कराना चाहते थे। अप्पा दोबारा उस लड़के से मिली तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हारी शादी तय की है और वही तुम्हारी शादी होगी। मतलब तुम्हारे अप्पा को पता था कि कामाक्षी और अल्बर्ट का अफेयर चल रहा है? जी सर। कामाक्षी और अल्बर्ट की शादी? अगर कामाक्षी ने हमें बताया होता कि वो किसी लड़के से प्यार करती है तो हम उसे कभी शादी करने से मना नहीं करते। सर जॉर्ज को लेकर मैं खुद बहुत परेशान है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो बिना मेरे को बताए इस तरह गायब हो ही नहीं सकता। आपको छिपा तो नहीं रहे हमसे? आप क्या बात कर रहे हैं, इस सब के पीछे वो मणिशंकर है। पक्का वही गायब किया जॉर्ज को ताकि आपका शक मेरे पे हो। लेकिन एक बात है। क्या बात है? बात काफी पुरानी है। कामाक्षी का एक साइलेंट लवर हुआ करता था सर, हो सकता है उसी ने जलन की वजह से अल्बर्ट का मर्डर किया हो। था कौन ये साइलेंट लवर? सर पता नहीं, लेकिन जो कोई भी था वो आए दिन कामाक्षी को गिफ्ट दिया करता था, लेकिन कामाक्षी को भी नहीं पता था कि वो था कौन। ऐसे गिफ्ट भेजकर तुम ये मत सोचो कि तुम मेरी नाराजगी दूर कर लोगे। मैंने कोई गिफ्ट नहीं भेजा। तो वो गिफ्ट किसने भेजा था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी अपनी बहन की तरह झूठ बोल रही हो? नहीं सर ये सच है। ये चौथी लड़की भी किसी काम की नहीं है। ये जो दूसरी लड़की कामाक्षी है ना, जो बात इसमें है वो किसी में भी नहीं है। अब भी मैं कहता हूं मेरी बात मान लीजिए, ये लड़की अगर आपको मिल गई तो समझो आपका काम हो गया। सर सर जॉर्ज की एक सावंत नाम के आदमी से काफी बातचीत थी। कौन सावंत? सर ये सावंत, सर सावंत प्रशांत पन्ना के यहाँ काम किया करता था, लेकिन कुछ समय पहले प्रशांत पन्ना ने इसे नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन इस सबका इस केस से क्या कनेक्शन? सर भले इसने वहां से नौकरी छोड़ दी थी लेकिन ये जॉर्ज के साथ बराबर टच में था। ये सावंत जहां कहीं भी है ले गया उसको। सर आजकल क्या बोलता हूँ क्या करता हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है जिंदगी रुक सी गई है। मॉम के डेथ के बाद भी कुछ बदला नहीं, ना डेंजल के नशे की आदत ना फाइनेंशियल कंडीशन, ऊपर से अपना बिजनेस ट्राई करने की सोच रहा तो कुछ बात नहीं बन रही। तू ही बता ऐसे में तुझसे शादी करके मैं तुझे क्या जिंदगी दे पाऊंगा? बस यही सोच सोच के उबलता रहता हूं मैं और तेरे सामने फट पड़ता हूं। मक्षी मैं चाहे तुझसे कुछ भी बोलूं बट आई रियली लव यू। कामाक्षी मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है सर? एक्चुअली वो बात मैं यहाँ नहीं कर सकता, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? कुछ ही समय के अंतराल में दूसरी जली हुई लाश मिलने की खबर ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। एक तरफ मीडिया पुलिस की कार्यवाही और मुस्तैदी पर सवालिया निशान लगा रहा था और वहीं दूसरी तरफ पुलिस असल गुनहगार से कोसों दूर थी।
एक के बाद एक ये दूसरी जली हुई लाश पुलिस को मिली थी, और उस लाश के पास जो मोबाइल फोन मिला था वो प्रशांत अपन्ना के पीए जॉर्ज का था। वहीं पहली लाश का डीएनए अल्बर्ट के डीएनए से मैच करके देखा गया, और डीएनए की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वो लाश अल्बर्ट की ही थी। इन दोनों हत्याओं की मोडस ऑपरेंडी एक ही थी, लेकिन मकसद एक नहीं था। पुलिस इन दोनों मर्डर्स को एक साथ जोड़कर देख रही थी। वहीं पुलिस जॉर्ज और अल्बर्ट की हत्या के तार जोड़ने के लिए सावंत को ढूंढ रही थी, और जल्द ही पुलिस उसको पकड़ने में कामयाब हो गई। मैंने ही जलाया उस जॉर्ज को जिंदा। प्रशांत अन्ना के बाद मैं उसे अपना बड़ा भाई मानता था, लेकिन उसने प्रशांत अन्ना के ऑफिस वालों के सामने मुझे बहुत बेइज्जत किया। तेरा हिम्मत कैसा हो रहा है हरकत करने का? और साहब एक दिन फोन करके मुझे बुलाया कि चल दारू पीते, और साहब वहां पे उसने बोला। पुलिस को मालूम चला ना कि हम दोनों ने अल्बर्ट को जलाया, तो कोई बचाने को नहीं आएगा अपने को। मैं क्या बोलता है, हम दोनों खुद पुलिस के पास जाते और सब सच बोल डालते। तू कहना चाह रहा है कि तूने और जॉर्ज ने मिलकर अल्बर्ट को मारा? जी सर। किसके कहने पे मारा? मैं जीरो से अपना लाइफ शुरू किया। मैं चिल्लड़ बहुत कमाया सर, लेकिन सपना हमेशा नोट गिनने का ही देखा। फिर मेरे को एक मसीहा मिला। कौन मसीहा? मेरा गुरु बगुला। वो मेरे को बोला कि आग मेरा मित्र, आग से जुड़ा मैं कोई भी काम करेगा तो चमकेगा। मैं उसका बात मान के डोसा बनाने वाले चूरा खरीद डाला, और रास्ते पे गाड़ी डाल के मैं खाना बेचने लगा। मैं चमका, खूब चमका। ऐसा चमका कि आज कई शहरों में मेरे नाम का रेस्टोरेंट है। लेकिन मेरे को आगे जाने का था, इस दुनिया पे राज करने का था। अब आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बस आपको शादी करना होगा। शादी? वो भी 25 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी। 2 साल के अंदर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। अब मेरे को सोचने का था कि वो लड़की कौन होगा। मेरा ड्राइवर महेंद्र को मैं बहुत सारा कर्ज दे के रखा था, और मेरे को यह भी मालूम था कि उसके 2 जवान बेटी दोनों सुंदर थी, इसलिए मैं दोनों को लेकर अपने गुरु बगला से डिस्कस किया। वो मेरे को बोला, मैंने श्रुति का फोटो देखा, इसमें वो आग नहीं है जो आपको चाहिए, लेकिन इसकी एक छोटी बहन है कामाक्षी। अगर ये आपको मिल जाए तो ये समझिए कि जैसे इक्के को इक्का मिल गया। इधर मैं कामाक्षी से अपनी शादी का बात फिक्स किया, उधर वो अपने दोस्त को लेकर मेरे घर आ गया। मैं दोनों को देखते ही समझ गया उन दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा रिश्ता है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं किया। मैं प्यार से उसको समझाया, मना किया और उसको उधर से भेज दिया। फिर तुमने उनके पीछे अपने पीए जॉर्ज को भेजा, और तुम्हारे कहने पे ही जॉर्ज ने उसे फूड वैन डालने का ऑफर दिया। हाँ, मैंने ही जानबूझ करके उसका वैन मणिशंकर के रेस्टोरेंट के आगे डालने को बोला, और फिर मैंने ही अपने आदमियों को भेजकर मणिशंकर के नाम से उसको धमकी दिलवाया। मनी अन्ना के रेस्टोरेंट के सामने अपना फूड वैन खोलेगा, ताले जान से मार दूंगा, ताकि अगर मुझे कल उस लड़के को खत्म करना पड़े तो उसका शक मणिशंकर पर आए। उसका साइलेंट लवर मई था, और मई उसे गिफ्ट भेजता था। लेकिन इधर कामाक्षी अपने बाप को बोला कि वो अल्बर्ट से ही शादी करना चाहता है, तो मेरा खून खौल गया, और मैं सावंत और जॉर्ज को बोल के मरवा दिया उसको। लेकिन उसको मरवाते ही मेरे को ये फील हुआ सर कि मैं अब कामाक्षी से शादी करेगा तो बहुत रिस्की होगा, इसीलिए मैं एक ऑप्शन तैयार कर रहा था। अभी मेरे को एक लड़की मिला है एकदम कामाक्षी के जैसा। आपको क्या लगता है सर, मैं इधर इस कुर्सी पे ऐसे ही बैठा रहेगा? मेरा वक्त बताता है कि मेरा मित्र अग्नि मेरे ऊपर तसवी आंच नहीं आने देगा। प्रशांत अपन्ना एक ऐसी गलतफहमी में जी रहा था जिसने एक ही झटके में उसकी छवि धूल में मिलाकर रख दी। पुलिस के चार्जशीट दायर करने के बाद 5 सालों तक इस केस की सुनवाई चली, और इस दौरान प्रशांत अपन्ना यही सोचता रहा कि वो ये केस जीत जाएगा। अग्नि तत्व के प्रति उसकी श्रद्धा उसको निर्दोष साबित कर देगी।
लेकिन प्रशांत अपन्ना को आपराधिक साजिश और एल्बर्ट की हत्या करवाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सजा के ऐलान के बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रशांत अपन्ना का गुरु बगुला उसे बचाने के लिए यज्ञ का आयोजन कर रहा था, लेकिन वो बच नहीं पाया और इस केस के फैसले के बाद उसकी मौत की खबर हर अखबार की सुर्खियां बन गई। अल्बर्ट को अपनी जिंदगी समझने वाली कामाक्षी जल्द ही ये समझ गई थी कि सरंत भी उसको उतना ही प्यार करता था जितना शायद अल्बर्ट, और दोनों ने शादी कर ली। प्रशांत अपन्ना की कामयाबी का संघर्ष चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन जब तक इंसान अच्छाई के रास्ते पर चलता रहता है उसका बैड लक भी गुड लक में बदल जाता है, लेकिन बुरे कर्म करने वाले का साथ कुदरत भी जल्द ही छोड़ ही देती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।